चिदंबरम हो सकते हैं पीएम पद के उम्मीदवार। लंदन की मशहूर पत्रिका इकोनॉमिस्ट ने वित्त मंत्री पी चिदंबरम को कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री का संभावित उम्मीदवार बताया है। द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक अगर अगला लोकसभा चुनाव आर्थिक मुद्दों के आधार पर लड़ा जाता है तो बीजेपी के संभावित उम्मीदवार मोदी के मुकाबले कांग्रेस पी चिदंबरम को पीएम पद का उम्मीदवार बना सकती है। मैगजीन की दलील है कि चिदंबरम को अर्थव्यवस्था की अच्छी जानकारी है और साथ ही वो सोनिया के विश्वास पात्र भी हैं। साथ ही अब वो हिंदी में भी बोलने लगे हैं। चिदंबरम नहीं होंगे प्रधानमंत्री। लंदन में छपी एक खबर का जवाब देते हुए कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि भारत में अगली सरकार कांग्रेस की ही बनेगी, लेकिन चिदंबरम उसमें प्रधानमंत्री नहीं होंगे। चिदंबरम को पीएम उम्मीदवार बनाए जाने पर कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी का कहना है कि इस पर पार्टी फैसला लेगी। अल्वी के मुताबिक कांग्रेस 2014 लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। पार्टी प्रवक्ता के मुताबिक जो नए सांसद चुनकर आएंगे वही मिलकर फैसला करेंगे कि देश का अगला पीएम कौन बन सकता है। चिदंबरम के बहाने मनमोहन पर निशाना। चिदंबरम को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाए जाने की अटकलों के बीच बीजेपी ने पीएम मनमोहन सिंह पर निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि मनमोहन सिंह अच्छे अर्थशास्त्री थे, लेकिन उनके 8.5 साल के कार्यकाल में देश आर्थिक उधारवाद की तरफ बढ़ा है। चिदंबरम को पीएम उम्मीदवार बनाए जाने के सवाल पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मनमोहन के नाकाम कार्यकाल के बाद कांग्रेस अब डेप्यूटेशन पर किसी को पीएम नहीं बनाएगी। पीएम के लिए राहुल का नाम। चिदंबरम की उम्मीदवारी की अटकल के बीच कांग्रेस के एक धड़े ने इस पद के लिए एक बार फिर से राहुल गांधी के नाम को आगे बढ़ाया है। केंद्रीय मंत्री हरीश रावत का कहना है कि 2014 में राहुल गांधी पार्टी का नेतृत्व करेंगे। राहुल की तारीफों के पुल मानते हुए रावत ने कहा कि उनमें काबिलियत है और वो देश के अच्छे प्रधानमंत्री साबित होंगे। हम आपको बता दें कि राहुल सरकार में अब तक कोई जिम्मेदारी लेने से बचते आए हैं। उनके इस रवैये पर विपक्षी दल लगातार वार करते रहे हैं। दिग्विजय की आडवाणी पर चुटकी। नरेंद्र मोदी को भाजपा की तरफ से पीएम पद का उम्मीदवार बताए जाने के बाद दिग्विजय सिंह ने आडवाणी की चुटकी ली है। बीजेपी की तरफ से सुषमा स्वराज ने नरेंद्र मोदी को पीएम पद के लिए सही उम्मीदवार बताया था। इस पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पीएम इन वेटिंग लाल कृष्ण आडवाणी पर निशाना साधा। मोदी के पीएम उम्मीदवारी के सवाल पर दिग्गी ने कहा कि क्या आडवाणी ने पीएम बनने की उम्मीद छोड़ दी है। मुलायम का इनकार। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने साफ कर दिया है कि अगले पीएम पद की दौड़ में उनका नाम शामिल नहीं है। नारायण दत्त तिवारी ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह से मुलाकात की। इससे पहले शनिवार को उन्होंने बयान दिया था कि मुलायम केंद्र में राजनीति करे और उनके बेटे अखिलेश राज्य के लिए काम करे। सियासी हलकों में इसे तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन मुलायम सिंह ने साफ कर दिया है कि वो पीएम पद के लिए दावेदार नहीं। नरेंद्र मोदी का अहमद पटेल परिवार। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल पर आरोप लगाया है कि वो मुख्यमंत्री बनने के लिए सौदेबाजी कर रहे हैं। गुजरात के नर्मदा जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि अहमद पटेल बयान दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनने में कोई रस नहीं। मोदी के मुताबिक इसका मतलब ये है कि दाल में जरूर कुछ काला है। मोदी के मुताबिक कांग्रेस ने अहमद पटेल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए दूसरी राजनीतिक पार्टियों से सौदेबाजी की है। मोदी ने इसे एक साजिश करार दिया है। खुदकुशी बनी चुनावी मुद्दा। गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने किसानों की खुदकुशी का मुद्दा भुनाने में पूरी ताकत लगा दी है। गुजरात में 13 दिसंबर को होने वाले पहले चरण के चुनाव में सौराष्ट्र की अहम भूमिका होगी। पिछले 3 महीने में गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में 37 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। पिछले साल गुजरात में 578 किसानों ने आत्महत्या की थी। सौराष्ट्र के किसानों में मोदी को लेकर खासी नाराजगी है। कांग्रेस इसी के नाम पर वोट मांग रही है। सिद्धू का पुतला फूका। केशुभाई पटेल को विश्वासघाती बताने पर बीजेपी के स्टार प्रचारक नवजोत सिंह सिद्धू का केशुभाई पटेल के समर्थकों ने पुतला फूका। गुजरात के पाटन जिले में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने केशुभाई पटेल को गद्दार करार दिया था। इस बयान से नाराज केशुभाई पटेल के समर्थकों ने अहमदाबाद और राजकोट समेत कई शहरों में सिद्धू का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। हम आपको बता दें कि केशुभाई ने बीजेपी से अलग होकर गुजरात परिवर्तन पार्टी बनाई है। मर्यादा भूले मुरली मनोहर जोशी। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बाद बीजेपी सांसद मुरली मनोहर जोशी ने सांसदों के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान अहमदाबाद में मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि उन्हें सांसद होने पर खुद पर शर्म आती है क्योंकि संसद में भ्रष्टाचारी सांसद बैठे हुए हैं। इससे पहले कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के सांसदों के लिए अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर बीजेपी ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था, जिस पर कांग्रेस को माफी मांगनी पड़ी थी। केजरीवाल की चार कस्में। महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी के अभियान की शुरुआत करते हुए अरविंद केजरीवाल ने रैली में आए लोगों को चार कस्में खिलाई। रैली के दौरान अरविंद ने ट्रक से ही जनता को कसम खिलाई कि कभी न रिश्वत लेंगे न देंगे, अगले चुनाव में वोट जरूर डालेंगे, पैसे या शराब लेकर वोट नहीं डालेंगे, चुनाव में जाति या धर्म के नाम पर वोट नहीं डालेंगे। साथ ही आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई तेज करने की भी शपथ दोहराई।
अब कोई शिवसेना प्रमुख नहीं। बाला साहेब ठाकरे की मौत के बाद पहली बार उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया है कि अब उनकी पार्टी में कोई भी शिवसेना प्रमुख नहीं होगा। शिवसेना के मुखपत्र सामना को दिए इंटरव्यू में उद्धव ने कहा कि उनमें ये पद संभालने की योग्यता नहीं और ये पद बाला साहेब का ही है। हालांकि उद्धव ने यह भी कहा कि वो अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए मराठी मानुष और हिंदुत्व के मुद्दे को आगे ले जाएंगे। वहीं स्मारक विवाद पर उन्होंने कहा कि इसे बेवजह तूल दिया जा रहा है। रेडियो ब्लास्ट में केस दर्ज। महाराष्ट्र के बीड में हुए रेडियो ब्लास्ट मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। शुरुआती जांच में पुलिस को धमाके में विस्फोटक के इस्तेमाल का शक है। फिलहाल पुलिस के साथ मुंबई एटीएस और एनआईए की टीम धमाके की जांच में जुटी है। वहीं घटनास्थल से लिए गए नमूनों की फॉरेंसिक रिपोर्ट 2-3 दिन में आने की उम्मीद है, जिसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। उधर धमाके में घायल हुए बस कंडक्टर और उसके परिवार को भीड़ से मुंबई के जेजे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। 5 लोगों पर केस दर्ज। नवजीवन महिला सुधार गृह मामले में आईबीएन 7 की खबर का बड़ा असर हुआ है। इस मामले में केयर टेकर समेत 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एफआईआर में सुधार गृह की केयर टेकर शोभना दिघे, पूर्व इंचार्ज शोभना शेलार के अलावा 3 और लोगों को नामजद किया गया है। इन सभी पर सुधार गृह में लापरवाही बरतने और महिलाओं के साथ बुरा बर्ताव करने का आरोप है। इसके अलावा पुलिस ने एफआईआर में अज्ञात लोगों के खिलाफ बलात्कार का आरोप भी लगाया है। आईबीएन 7 ने ही रिमांड होम में लड़कियों पर ज्यादती की खबर सबसे पहले दिखाई थी। नामधारी की खालसा सेना पोंटी चड्डा हत्याकांड में क्राइम ब्रांच को मिली जानकारी के मुताबिक मुख्य आरोपी सुखदेव सिंह नामधारी ने खालसा सेना नाम से एक सेना बनाई थी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली से सटे गाजियाबाद में नामधारी ने खालसा सेना बनाई थी। इसमें 25 लोगों को रखा गया था। पुलिस के मुताबिक नामधारी ने इस सेना को खास तौर पर पोंटी चड्डा का काम करने के लिए रखा था। गाजियाबाद में ही पोंटी के एक गेस्ट हाउस में इन लोगों के रहने का भी इंतजाम किया गया था। इस बीच साकेत कोर्ट ने नामधारी की पुलिस रिमांड और 3 दिन बढ़ा दी है। पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग। हरियाणा पुलिस की फायरिंग में जख्मी एसपी के बेटे के परिवार वालों ने दोषी पुलिस वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सोनीपत में एसपी सरवन सिंह के बेटे गुरपाल सिंह को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, लेकिन वो ये जानकर हैरान है कि उन्हें बदमाशों ने नहीं हरियाणा पुलिस के जवानों ने गोली मारी। उधर पुलिस का कहना है कि उन्होंने गलत पहचान के चक्कर में फायरिंग की। गुरपाल की जान के खतरे को देखते हुए उनकी पीठ से गोली नहीं निकाली जा सकी है। रेव पार्टी पर पुलिस का छापा। देहरादून में पुलिस ने एक क्लब पर छापा मारकर रेव पार्टी कर रहे 39 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 14 लड़कियां भी शामिल है। ये रेव पार्टी देहरादून के राजपुर रोड पर चल रही थी। पुलिस के छापे के दौरान कई लड़के लड़कियां भागने में कामयाब रहे, लेकिन 39 लोग गिरफ्त में आ गए। पकड़े गए ज्यादातर लड़के लड़कियां देहरादून इंजीनियरिंग और मेडिकल इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं। सभी का मेडिकल कराकर उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने मौके से बड़ी तादाद में देशी विदेशी शराब के साथ स्मैक और चरस भी बरामद की है। भारतीय दंपति पर सोमवार को फैसला। नॉर्वे में अपने बेटे को डराने धमकाने और उसके साथ बुरा बर्ताव करने के आरोप में गिरफ्तार भारतीय दंपति पर सोमवार को फैसला होगा। बाल अधिकार कानून के तहत नॉर्वे में गिरफ्तार सॉफ्टवेयर इंजीनियर पति पत्नी अनुपमा और चंद्रशेखर को 1 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है। इस बीच हैदराबाद में दंपति के परिवार वालों ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी से मिलकर उनका पक्ष नॉर्वे सरकार के सामने रखने की अपील की। भारत सरकार पहले ही इस मामले में दखल से इनकार कर चुकी है। और अब खबरें खेल की दुनिया से। दक्षिण अफ्रीका ने पर्थ टेस्ट पर बेहद मजबूत पकड़ बना ली है और ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 632 रन का लक्ष्य रखा है। मैच के तीसरे दिन हाशिम अमला और डिविलियर्स के शतकों की बदौलत अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी 569 रन पर घोषित की, जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने बिना विकेट खोए 40 रन बना लिए। बांग्लादेश ने दूसरे वनडे मैच में वेस्टइंडीज को 160 रन से रौंदते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। हिनामुल के शानदार शतक के दम पर बांग्लादेश ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 292 रन बनाए, जवाब में वेस्टइंडीज टीम महज 132 पर ही ढेर हो गई। ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने न्यूजीलैंड को 4-2 से हरा दिया है। टूर्नामेंट में भारत की लगातार दूसरी जीत है। भारतीय टीम 6 अंकों के साथ पूल ए में टॉप पर है। भारतीय टेनिस स्टार महेश भूपति ने अगले साल रिटायरमेंट की इच्छा जताई है। भूपति के मुताबिक वो अगले साल अच्छे प्रदर्शन के साथ टेनिस को अलविदा कहना चाहेंगे। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान डेविड बेकम ने फुटबॉल को अलविदा कह दिया है। बेकम ने अपने आखिरी मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया और उनकी टीम एलए गैलेक्सी ने ह्यूस्टन को 3-1 से शिकस्त देकर अमेरिका की मेजर लीग पर कब्जा कर लिया। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर लियोनेल मेसी के 2 शानदार गोल की बदौलत बार्सिलोना ने एथलेटिको मैड्रिड को हरा दिया है। इसके साथ ही एक और इतिहास रचने के बेहद करीब पहुंच गए हैं मेसी।
जर्ड मुलर के एक साल में सर्वाधिक 85 गोल करने के 40 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने से वो सिर्फ एक गोल दूर है। चैपल का सचिन परवार। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान इयान चैपल ने सचिन तेंदुलकर के खराब फॉर्म के बावजूद संन्यास न लेने के फैसले पर निशाना साधा है। इयान चैपल के मुताबिक सचिन को पॉन्टिंग से प्रेरणा लेनी चाहिए। पॉन्टिंग ने जो कहा करके दिखाया। सचिन पर कटाक्ष करते हुए चैपल ने कहा, दलाई लामा की जगह कोई और ले ले फिर भी आसान है, सचिन खुद हट जाए काफी मुश्किल है। चैपल ने युवा खिलाड़ियों का रास्ता रोकने के लिए भी सचिन को जमकर कोसा। और अब देखते हैं 2 मिनट में 10 शहरों की खबरें। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को निर्विरोध उत्तर प्रदेश बीजेपी का नया अध्यक्ष चुना गया है। उत्तर प्रदेश में 12 साल बाद बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। वाजपेयी से पहले कई अध्यक्षों को बीजेपी आलाकमान ने नामित किया था। पूर्व कांग्रेस नेता नारायण दत्त तिवारी ने बीती रात यूपी के देवा शरीफ में वारिस अली शाह की दरगाह की जियारत की। इस दौरान तिवारी ने कव्वालियां भी सुनी और उनकी धुन पर जमकर झूमे। गाजियाबाद के डासना टोल बूथ पर किसानों ने कब्जा कर लिया है और टोल बूथ से गुजरने वाली गाड़ियों से टोल नहीं वसूलने दे रहे हैं। किसानों की मांग है कि सरकार को टोल वसूली बंद करनी चाहिए। यूपी के मुरादाबाद में दो परिवारों के बीच हुए खूनी संघर्ष में एक बुजुर्ग शख्स की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हुए हैं। दोनों परिवारों के बीच एक जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। दिल्ली के मुनीरका इलाके में बीती रात एक बेकाबू ट्रक ने 3 गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। मुंबई के कफ परेड इलाके की एक बहुमंजिला इमारत में बीती रात भयंकर आग लग गई जिससे इमारत की 19वीं मंजिल जलकर खाक हो गई। गनीमत यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। आंध्र प्रदेश के वनस्थलीपुरम में 4 नकाबपोश बदमाशों ने गार्ड को बंधक बनाकर एक एटीएम को लूटने की कोशिश की लेकिन कई घंटों की मशक्कत के बाद भी वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। श्रीनगर में 4 दिन की शांति के बाद आज फिर तनाव फैल गया जिसके बाद कुछ इलाकों में फिर से कर्फ्यू लगा दिया गया। बुधवार को एक चीनी जूते के लोगों को लेकर 2 गुटों के बीच विवाद हो गया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक दल ने आज कोलकाता में सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। इस दौरान इस दल ने पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचकर आला अफसरों से भी मुलाकात की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस महीने के आखिर में भारत दौरे पर आ रही। वाराणसी और कानपुर में आज हजारों लोगों ने गंगा को बचाने का संकल्प लिया। इस दौरान गंगा घाटों पर मानव श्रृंखला बनाई गई। बीजेपी नेता उमा भारती भी लोगों की इस मुहिम में शामिल। अफगानिस्तान में फिदायीन हमला। अफगानिस्तान के जलालाबाद शहर में तालिबान के फिदायीन हमले में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। ये हमला नाटो सेना के एयरबस को निशाना बनाकर किया गया। इस दौरान तालिबान आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच जमकर फायरिंग और बमबारी हुई जिसमें 11 लोगों के मारे जाने की खबर है जबकि कई लोग घायल हुए हैं। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि मारे गए सभी लोग आतंकी हैं या उनमें कुछ नाटो सैनिक भी शामिल है। हालांकि नाटो सेना का दावा है कि उसने तालिबान के हमले को नाकाम कर दिया है। और अब दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबर। मिस्र की राजधानी काहिरा में राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी के समर्थन में एक विशाल रैली निकाली गई जिसमें मुस्लिम ब्रदरहुड के हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। ये लोग मुर्सी के नए इस्लामिक रुझान वाले संविधान को लागू करने के फैसले का समर्थन कर रहे हैं। मैक्सिको में एनरिक पेना नीटो ने राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। नीटो के शपथ ग्रहण समारोह के विरोध में मैक्सिको सिटी में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई जिसमें 8 लोग घायल हुए। अमेरिका के मियामी में एक यात्री बस कंक्रीट ओवरपास से टकरा गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 27 लोग घायल हो गए जिनमें से 3 की हालत गंभीर है। चीन में एक हाईवे के बीचों बीच बने नेल हाउस को ढहा दिया गया। इस 5 मंजिला इमारत को मालिक की सहमति के बाद गिराया गया। चीन में सड़क के बीच में बनी इमारतों को नेल हाउस कहा जाता है। कतर की राजधानी दोहा में पर्यावरण बचाओ कार्यकर्ताओं ने एक रैली निकाली जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। ये लोग पर्यावरण को बचाने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। लंदन में एक खास चैरिटी रेस का आयोजन किया गया जिसमें 2500 से ज्यादा सेंटा क्लॉज ने हिस्सा लिया। इस दौरान विकलांगों के लिए करीब 40 लाख रुपए इकट्ठा किए गए। ब्राजील के रियो शहर में करीब 27 मंजिला फ्लोटिंग क्रिसमस ट्री को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। इस दौरान जबरदस्त आतिशबाजी की गई। इस नजारे को देखने के लिए करीब 5000 देसी विदेशी पर्यटक मौजूद थे।